नमस्ते, मैं डिंपल शर्मा। आज 12 अप्रैल 2019 आज सातवां नवरात्रा है और आज के दिन माँ कालरात्रि नव दुर्गा का सातवां स्वरूप है जो काफ़ी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये त्रिनेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है, इनके हाथों में खड़ग और कंटा है और इनका वाहन गधा है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, अतः इनके शुभकारी भी कहते हैं। इनकी उपासना से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं आप इनकी पूजा करेंगे तो? आज के दिन आपको शत्रु और विरोधियों को नियंत्रण करने के लिए इनकी उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है, अतः इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का तंत्र मंत्र जो रहता है, कईयों को ऐसा रहता है कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है, अगर इनकी उपासना करते हैं तो उनका असर नहीं होता। हम ज्योतिष की बात करें अगर, तो ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रण करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देती है। माँ कालरात्रि की पूजा अब कैसे की जाए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो? माँ के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं, माँ के मंत्रों का जाप करें या फिर सप्तशती का पाठ करें, भोग लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांट दें, बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें, काले रंग का वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। आप नीला कलर, बैंगनी कलर से ऐसे कलर आप धारण करके अगर पूजा करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा? तो इसके लिए आपको श्वेत, सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और इन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवारण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। मंत्र इस प्रकार हैं, ओम ऐं लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। मंत्र एक बार फिर दोहराती हूँ, ओम ऐं क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। 108 बार आपको मंत्र पढ़ना है और जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते जाएंगे, एक एक लौंग अलग रखते जाएंगे। जब ये पूरे 108 बार आप मंत्र पढ़ लेंगे और 108 लौंग आपकी इकट्ठी हो जाएगी तो इसे अग्नि में डाल दें। इससे आपके विरोधी और शत्रु शांत हो जाएंगे। माँ कालरात्रि को क्या विशेष प्रसाद अर्पित करें? जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि गुड़ का भोग लगाना सबसे अच्छा होता है और इसके बाद जैसे कि सबको आप वितरित कर दें प्रसाद, और इससे को इसी अगर प्रसाद को आप वितरित करते हैं और आप ग्रहण करते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। माँ कालरात्रि का संबंध अब किस चक्र से है उसकी बात करते हैं। माँ कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्रार को नियंत्रित करती है। यह चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक की ओर ले जाता है। इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर के समक्ष होने की अनुभूति करता है। शनि ग्रह का संबंध जैसे कि इस चक्र से होता है, अतः शनि को मोक्ष कारक भी कहते हैं। तो अगर हम पूजा करते हैं तो हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उस हिसाब से आप खुद ही देखिए कि माँ कालरात्रि की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें कितने फ़ायदे होते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी माता कालरात्रि की बात। अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। तो आज देखें हम मेष राशि आपके लिए क्या लेके आए हैं। मेष राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। जो भी आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि आज आपने जो भी इच्छा की और वो आपकी पूर्ण होती हुई नज़र आएंगी, और यहाँ तक कि बिजनेस में भी आपको फ़ायदा होगा, रिलेशनशिप में आपकी और मधुरता बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं ये है कि आपको बच्चों संबंधी थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उसका खास ख्याल रखें। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी आज। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य साथ देगा 65%।
वृषभ राशि देखिए आज आपके लिए क्या है। वृषभ राशि वालों, आज कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस की अगर हम बात करें, व्यापार व्यवसाय की अगर हम बात करें, तो आप कहीं ना कहीं चोट खा सकते हैं, तो इसलिए आपकी नज़र सब दूर रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करें अगर पारिवारिक तौर पे, तो पारिवारिक आपका जीवन आज बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा मेल मिलाप सबसे होगा और सामाजिक तौर पर आपकी ख्याति और बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य साथ देगा 65%। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले, आज कुछ काम जो आपका चला आ रहा है पुराना, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल एंड मोमेंट पे है, कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप ये दुविधा में हैं, मगर फिक्र मत कीजिए, आपका ये कार्य ज़रूर संपन्न होगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कहीं अविवाहितों के लिए रिश्ते आने की उम्मीद है और नवविवाहितों के लिए गुड न्यूज़ आने की बहुत उम्मीद है। स्त्री संबंधी आज लाभ होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य साथ देगा 80%। देखें आज कर्क राशि के लिए क्या है। कर्क राशि वालों, कोशिश ये करें कि आज आपके यहाँ अगर कोई आए तो खाली हाथ ना जाए, और कहीं ना कहीं आपने जो पहले दान पुण्य किया है तो ये आपको कहीं एक्सीडेंट से बचाएगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आज एक्सीडेंट दिख रहा है। गाड़ी बहुत धीमे चलाइएगा और नए कार्य की जो और अग्रसर हो रहे हैं, नया कार्य ये कह सकते हैं कि नया कार्य आपने जो सोचा था और अब उसको प्लान आउट करने वाले हैं, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य साथ देगा 75%। सिंह राशि वाले देखें आज आपके लिए क्या है। सिंह राशि वालों, कहीं ना कहीं आज आपको थोड़ा धन संबंधी दिक्कतें आ सकती है, आपके पेमेंट्स रुक सकते हैं, इवन आपके चेक भी बाउंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के किसी को चेक दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं उसमें लॉसेस होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आज नकारात्मक रहेंगे, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, सेहत का खास ख्याल रखें। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन, भाग्य साथ देगा 50%। कन्या राशि वाले देखें आज आपके लिए क्या है। कन्या राशि वाले, कहीं ना कहीं आज आपको बहुत सोच विचार चल रहा है, काम करने की इच्छा है मगर मन नहीं कर रहा है करने का, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है आज थोड़ा शांत रहें, फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाए तो आपका थोड़ा मूड चेंज होगा, तो आप थोड़ा बेटर सोच पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य साथ देगा 55%। तुला राशि वाले देखें आज आपके लिए क्या है। तुला राशि वाले, कहीं ना कहीं आज आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, बिजनेस में लॉसेस होने की संभावना दिख रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके पारिवारिक रिलेशंस की, तो वो बहुत बढ़िया रहेंगे। यहाँ तक कि आप जो सुबह से टेंशन में हैं, शाम होते होते देखेंगे कि पारिवारिक माहौल इतना अच्छा सुखद है कि आप उस टेंशन से बाहर आ गए हैं। हेल्थ का थोड़ा खास ख्याल रखिए। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य साथ देगा 55%। वृश्चिक राशि देखें आज आपके लिए हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, कहीं ना कहीं आज आपको धोखा हो सकता है, हर किसी पे विश्वास ना करिए और स्पेशली जो बाहर का है उस पे तो बिल्कुल ही ना करिए। व्यवसायिक में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं ये है कि आपका अटका हुआ पैसे आने की उम्मीद दिख रही है, और कोई भी अगर कार्य करते हैं तो महिला वर्ग की सलाह के बिना नहीं करिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग आपके लिए रस्ट, भाग के साथ देगा 65%। अब हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले, कहीं ना कहीं आज कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, बच्चों को लेके बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आपका ये सिर्फ वहम है मन का। वैसे देखा जाए तो सब चीज़ें आपके बच्चों से रिलेटेड सेटल डाउन है। व्यावसायिक तौर पे अगर हम बात करें तो आपका व्यवसाय में फायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई
जो जॉब में हैं अगर वो अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल बहुत सही समय है उनके लिए, उस बारे में आप सोच सकते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी है, महिला वर्ग से बहुत अच्छा लाभ होता नजर आ रहा है और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में और मधुरता आने की संभावना है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य साथ देगा 85%। मकर राशि वाले देखें आज आपके लिए क्या है। मकर राशि वाले बहुत पिछले टाइम से बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो आपका, चाहे आपकी पारिवारिक स्थितियाँ हो, मगर अब समय आ गया है कि चीज़ें आपके लिए बदलने वाली है। कोई ना कोई नया मेहमान आपके यहाँ या कोई रिश्ता ऐसे जुड़ने वाला है कि जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य साथ देगा 55%। कुंभ राशि वाले देखें आज आपके लिए क्या है। कुंभ राशि वाले बिजनेस रिलेटेड, व्यवसाय रिलेटेड हम बात करें तो आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, मगर स्पेशली हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, उसका खास ख्याल रखिए। इन्फेक्शन होने की संभावना दिख रही है तो पहले से ही प्रिकॉशंस लीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है, इवन कोई लवमेट्स नया भी मिलने वाला है, जो रिलेशनशिप है उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य साथ देगा 65%। मीन राशि वाले देखिए आज आपके लिए क्या है। मीन राशि वाले कहीं ना कहीं आप व्यवसाय की वजह से बाहर आना जाना आज आपका लगा रहेगा, उसकी वजह से आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकता है, नींद ना पूरी होने की वजह से भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, तो उसका आप स्पेशली खास ख्याल रखें। पारिवारिक स्थितियां भी आज कुछ अच्छी नहीं दिख रही हैं, तो बेटर है अपने काम से काम रखिए, किसी के बीच में ना बोले तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य साथ देगा 50%। ये तो हो गया आपके दैनिक राशि आज की सलाह। बेटर है कि अगर आपको धन संबंधी दिक्कत रहती है, जैसे कि धन आज के दौर में काफी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी ये समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो जब भी आप आरती करें तो कपूर से आरती करें, आरती करते समय उसमें एक लौंग जरूर डालें। आप देखेंगे थोड़े समय में आपके घर से नकारात्मकता भी दूर हो गई है और पैसा इकट्ठा होना भी शुरू हो गया है, और आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होती नजर आती है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय और कुछ नए उपायों के साथ।